बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी वीवर्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को ये खूबसूरत नेक बनाने की बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, हमेशा की तरह जो मैं आप लोगों के साथ कोई भी डिज़ाइन शेयर करती हूँ तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से उसको बनाने का जो तरीका है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो बिल्कुल उसी तरह इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान होगा। और इसी के साथ वीडियो का आगाज़ करती हूँ। और वीडियो का आगाज़ करने से पहले, हमेशा की तरह जो मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो भी इस तरह की जो टिप्स हैं ट्रिक्स हैं फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, ये जितनी ब्रॉडनेस मैंने नेक की रखनी है वो मैंने 3 इंच पे मार्क की है, और बाकी ये मैंने हाफ इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम ये मैंने मार्क लगाया, और बाकी ये जितनी मैंने डीप रखना है नेक 5.5 इंच पर ये मैंने मार्क लगाया है, और ये मैंने अंदाजे से ही एक जो प्रॉपर राउंड नेक की शेप होती है वो मैंने दे ली है। और उसके बाद ये मैंने हाफ इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम जो मैंने मार्क लगाया था इसकी मैंने उसी तरह शेप दे ली है, और बाकी ये जो डिज़ाइन की हमने जहाँ पे डिटेलिंग देनी है ये मैंने 1.5 इंच पे ये मैं मार्क लगा रही हूँ, और ये नीचे तक मैंने सेम उसी तरीके से मैंने मार्क किया है ताकि जब हम इसके अंदर डिटेलिंग दें तो इसका जो साइज़ है वो एक इक्वल शेप में आए। अब जी ये जो हमने नेक का मार्जिन छोड़ना है ये मैंने वो मार्क लगाया है। अच्छा, इधर से आपने ध्यान से देखना है, कोई चीज़ आप वीडियो पूरी देखनी है, कोई चीज़ आपने स्किप नहीं करनी ताकि आप लोग अच्छे से ये समझ सकें कि ये मैं किस तरह ये मार्क लगा रही हूँ। ऊपर से ये मैंने 1 इंच का ये मैंने गैप छोड़ा ताकि जब मैं ये बैक साइड के साथ अटैच करूँगी तो यही जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा गैप छोड़ा है ये स्टिच के अंदर कवर हो जाएगा। और जी ये जहाँ पे हमने डिज़ाइनिंग की डिटेलिंग देनी है ये वो वाला पार्ट मैं कट कर रही हूँ। और उसके बाद जितना हमने नेक का जो मार्जिन रखना है ये हमने उसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने 1 इंच तक ये निशान लगाया है, और देखिए मैंने 3 इंच का ये रखा था। हमेशा जो राउंड नेक होता है वो ब्रॉडनेस उसकी ज़्यादा हो जाती है, जैसा कि मैंने 3 इंच का मार्क रख के लगाया था तो इधर ये 7 इंच आ रहा है, उसी हिसाब से भी मैंने 3.5 इंच पे ये मैंने मार्क लगाया, और इसी तरह ये मैं पेस्ट कर लूँगी प्रेस के साथ। और देखिए ये मैंने प्रेस के साथ ये मैंने पेस्ट कर ली, और बाद में मैंने मेजरमेंट कर लिया है कि जितनी मैंने ये रखी है उतनी आई है। और देखिए मेरी हर वीडियो की तरह मैं इसका जो बनाने का तरीका है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। जैसा कि मैं अपने हर डिज़ाइन बनाने में ये UHU का यूज़ करती हूँ। अच्छा, मुख्तलिफ फील्ड्स में हर काम को फट से करने से कोई ना कोई टेक्निक यूज़ होती है, तो आप भी ये समझ लें कि ये भी डिज़ाइनिंग के लिहाज से जो एक टेक्निक है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इस तरह कोई भी किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग है बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बहुत ही जल्दी से आप लोग ये बना सकती हैं। और ये आपने छोटे छोटे कट लगा लें ताकि जो एक प्रॉपर फ्यूजिंग पेपर की शेप है वो ही हमारी शेप आए। और ये देखिए मैं UHU के साथ इसको मैंने फोल्ड कर लिया है, और बाद में जब मैं ये डिटेलिंग देने के बाद मैं स्टिच लगाऊंगी और मैं मुझे किसी किस्म की कन्फ्यूज नहीं होगी, वो आप लोग देखेंगे कि मैं किस तरह ये नेक डिज़ाइन बनाती हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा जो बाहर की तरफ आ रहा होगा वो भी आपने कट कर लेना है। और ये जी मैंने 1.5 इंच भी ये मैंने कंट्रास्टिंग में 2 पीस ले ली हैं, और ये इसके ऊपर मैं स्टिच लगा रही हूँ। और आप लोग भी अगर इस तरह का बनाना चाहते हैं तो कंट्रास्टिंग में कोई भी पीस लेके आप लोग ये बना सकते हैं। और ये देखिए एक साइड मैंने इसकी क्लोज रखी है, और जो क्लोज साइड रखी थी वो मैंने एक किसी भी नुकीली चीज़ के साथ लोगों के साथ फोल्ड करके तो ये आपने मैंने प्रेस लगा ली है। अब जी ये मैं एक स्ट्रिप तैयार करूँगी और मैं ये मेजरमेंट कर लूँगी कि मुझे कितनी चाहिए। और देखें ये मैंने कटिंग कर ली है, और देखें एक साइड से ये बड़ी थी तो अब ये जी हमारी जो प्रॉपर स्ट्रिप है वो तैयार हो गई है, और बाकी जो स्ट्रिप्स हैं उनको भी मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी। और जी ये हमारी स्ट्रिप भी तैयार हो गई है। अच्छा, इसके अंदर आप किसी भी किस्म की डिज़ाइन की डिटेलिंग दे सकते हैं,
इधर मैं जो दे रही हूँ, अच्छा कोई भी अगर आप डिज़ाइन की डिटेलिंग दे रही हैं तो आपने हमेशा से जो दरमियान में आप लोगों ने ये डिज़ाइन लगाना स्टार्ट करना है, ये स्ट्रिप लगानी स्टार्ट करनी है। और स्ट्रिप लगाते वक्त आप लोग देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला राउंड है वो कम होता है, वहाँ से आपने गैप नहीं ज़्यादा रखना और नीचे से आपने थोड़ा सा ज़्यादा गैप रख के इन स्ट्रिप्स को आप लोगों ने पेस्ट करना है। जिस तरह देखिए ये मैं कर रही हूँ, और दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरीके से ऊपर वाली साइड पे कम गैप रखते हुए नीचे से ज़्यादा रखते हुए आप लोगों ने ये स्ट्रिप पेस्ट कर लेनी है। देखें जी ये हमारी स्ट्रिप हैं जो लग गई हैं। अगर ये स्ट्रिप कोई बड़ी है बाहर की तरफ जा रही है उसका फैब्रिक, तो आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। और देखिए जी ये हमारा नेक तैयार है। अब इसको आपने 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये अब अच्छे से हमारा जो डिज़ाइन है पेस्ट हो गया। तो मैंने एक साइड से ये देखिए स्टिच स्टार्ट की है और बिल्कुल विदाउट कन्फ्यूजन के मैं सिंपली स्टिच लगा रही हूँ, जिस तरह के आम फैब्रिक की स्टिच लगाते हैं। फिर से मैं टर्न करके अब दूसरी साइड पे ये देखिए मैं स्टिच लगा रही हूँ। और देखिए कितनी आसानी से और कितने सिंपल तरीके से ये जो हमारा नेक है वो तैयार हो गया है। आप किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग है आप लोग तैयार कर सकती हैं। अगर आप मेरे चैनल का विज़िट करेंगे तो आप लोगों को इसी तरह की बहुत ही सी आसान टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी डिज़ाइन को बनाने के लिए। और देखिए ये मैंने मोती लगा ली। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।